एमएस पेंट के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा एमएस पेंट का ये पांचवा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एमएस पेंट में इंडियन फ्लैग कैसे बनाते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों पास शेयर कर दें। हमारा मोटिव है कंप्यूटर में सभी स्टूडेंट को एक्सपर्ट बनाना। तो आप इस वीडियो को, हर एक वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे तब हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से वीडियो को देखिए। तो चलिए, हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए, आपका कीमती समय को वेस्ट नहीं करते हुए, हम चलते हैं अपने वर्क की ओर, हम सीधे चलते हैं अपने कार्य की ओर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्लैग बनाने के लिए आपको यहाँ पे सेव ऑफ सेव ऑप्शन में एक मिलेगा, यहाँ पे ये कर्व से दिख रहा है। हर एक ऑप्शन को मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा ताकि आप मोबाइल में देखें तो भी आपको पूरी तरीके से प्रतीत हो। ये दिख रहा है, ये कर्व से यहाँ से लेना आपको, ये से लेने के बाद आपको यहाँ करना क्या है, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रीन अगर सिंपल, अगर इसको हम ड्रैग करेंगे, ये मेरा टेढ़ा, मेरा सही तरीके से प्रॉपर तरीके से ड्रैग नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से इसको ड्रैग करना नहीं है, आपको करना कैसे इस बात को समझिए। आपके कीबोर्ड में एक शिफ्ट बटन होगा, आपको शिफ्ट बटन को प्रेस किए रहना है और माउस के लेफ्ट बटन के प्रेस किए आपको इस तरह से ड्रैग करना है। इससे क्या होगा, आपका 90 डिग्री में पूरा सीधा ड्रैग होगा। देखिए मेरा ड्रैग हो गया, अब छोड़ देना आपको कीबोर्ड और माउस को। अब इस शेप को हम दो बार अपने अकॉर्डिंग कहीं भी इसको मोड़ सकते हैं, या तो नीचे या तो कहीं, मतलब हम किसी भी एंगल में इसको दो बार मोड़ सकते हैं। मैं इसको जूम करके आपको प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहूंगा इसको कैसे मूव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइन में क्लिक करना है, देखिए दिख रहा है प्रॉपर तरीके से दिख रहा है मेरा, शायद रिकॉर्डिंग में कर्सर इधर उधर दिख रहा होगा लेकिन आपको लाइन में क्लिक करना है। ठीक है, लाइन में क्लिक करने के बाद आपको एक बार इस तरीके से ऊपर की ओर करना, देखिए एक बार आपको इस जगह से पकड़ के नीचे की ओर करना है, पूरा प्रॉपर तरीके से लाइन में कर्सर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से देखिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जाना है आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा मैं हर एक ऑप्शन को आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, दिखा सिलेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ सिलेक्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, सिलेक्शन लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना है, प्रॉपर तरीके से आप सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर तरीके से इसे सिलेक्ट करें। अब करना क्या है, आपको इसी को चार कॉपी बनाना है। कितना कॉपी, चार कॉपी। तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को होल्ड करना है, कंट्रोल बटन को होल्ड करने वाला को इस तरीके से यहाँ से कॉपी करते जाना है, छोड़ते जाना है, इस तरह से टाइप करते जाना है। देखिए तो आपको इस तरीके से कॉपी बनते जाएगा। अब आपको यहाँ से लेना है ये, फिर से लेना रिटर्न करो से, आपको इधर की ओर लाइन ड्रैग करना है इस तरीके से, देखिए यहाँ पे इस तरीके से नीचे की ओर लाइन ड्रैग करना है। लाइन ड्रैग करने के बाद इसको भी दो बार इधर उधर से आपको इसको अच्छा से प्रॉपर तरीके से मिला लें। ठीक है, लाने के बाद आपको इधर से फिर से लेना है आपको ये रेक्टेंगुलर शेप, इधर की लाइन दीजिए आप, इधर आप प्रॉपर तरीके से वर्क कीजिएगा। दोस्त मैं आप सभी को ये एक वर्क आइडिया दे रहा हूँ, आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि मेरे से बेटर प्रॉपर तरीके से डिजाइन को बनाएं। इतना करने के बाद आपको यहाँ से लेना है फिर से रिटर्न ओवल शेप, क्योंकि हमको बनाना है झंडा में 24 तिल ले ली। आपको यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करना है, इसके साथ शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दिए इसको, यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिए। इसमें कलर फिल करना था, यहाँ से लेंगे हम ये कलर बॉक्स, दिख रहा होगा फिल विद कलर। अब यहाँ से आप कलर चूज कर लीजिए और यहाँ से फिल कीजिए इस तरीके से, इतना हो जाएगा। फिर से दूसरा कलर चेंज कीजिए आपको, इसमें भी कलर आपको यहाँ से फिल कर देना है। तो इस तरीके से हमारा इंडियन फ्लैग बन नहीं चुका है लगभग। अब इसका लाइन भी यहाँ से हम दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप दे सकते हैं, आप पे डिपेंड है, इस तरीके से हम लाइन दे सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम जल्दी से जल्द आपको वीडियो आगे भी सिखा सकें।